हेलो जी, सत श्री अकाल सारे नू। थोड़ा सारे का वेलकम है जी अपने चैनल पर। अज की जी अपनी वीडियो है ये मैं थोड़े ना जैल आईलाइनर का रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि जोड़ा लिक्विड आईलाइनर है वो ईजली आप खरीद लें मार्केट चो, तो काफ़ी लंबे समय तो आप जो यूज़ करते मैं तुम्हें दिखाई हाँ। मेरे को है लैक्मी का यह लिक्विड आईलाइनर जो कि सारे यूज़ करते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो भी कि इस तरह का आईलाइनर है। जरूरी नहीं इस ब्रांड का ही हो मतलब लिक्विड आईलाइनर है। सो ये थोड़ी जी जी आप विंग बनाने हैं, विंग क्रिएट करनी जी भी हूने हूने आईलाइनर लाना स्टार्ट किया तो चंगी तरह मेकअप भी नहीं थोड़े तो किया जाता, क्योंकि एक ना भी अपना मेकअप करने से हाथ नहीं टिका हूँ, तो होंगे कि इनू यूज़ करना बहुत औखा रहता, क्योंकि हूँ तो सर्दियाँ चल रही ने, इनू जो आप अपलाई कर लिया फिर आप अखा बंद करके रखना पैंता, जो हवा के नीचे होना पैंता, ज इस तरह का कुछ भी कोई पेपर लैके ना एवं मैं तो एवं करती हूँ जो इस मैं लगा लिक्विड आईलाइनर इस तरह सुखा पैदा है ना, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जी मेहनत करनी पैंती है इसको सुखाने वास्ते। जे आप माड़ा जहाँ भी इनू यूज़ करके उपर न झाक ले इधर झाक ले तो अपनी सारा जो आई मेकअप हों ब्लैंडिंग की आई शैडो की वो सारा खराब हो जाता है, तो मतलब फैल भी जाता है। हाँ सुकन तो बाद तो ईजली ये वधिया रहिंदा, कई बार सुकन तो बाद भी लै जाता है, बट जिन्ने क मतलब प्राइस के हिसाब न भी ये हैगा है ना उन्ना यह वधिया भी रहिंदा है, लगा लैंदे आपां ईजली आपां नूं मिल जाता मार्केट चो, लगाना कोई इन्ना औखा नहीं हुंदा जे आपां लगाना होंदा। इस तरह का लिक्विड आईलाइनर हुंदा इहदे विच ना इस तरह का तुहानूं मिल जाता, देखो इस तरह का ये प्रोडक्ट हुंदा, तो इस तरह का ब्रश है, थोड़ा जिहा इहदे नाल विंग क्रिएट करनी औखी हो जाती है आपां नूं। तो जैल आईलाइनर काफ़ी लंबे समय तो चल रहा है मतलब है ना, पर कई लोगों नहीं पता होंगे जैल आईलाइनर यूज़ नहीं करना आता, सो अज मैं थोड़े ना वही शेयर कर दी हाँ। तो यह हैगा जी मेरे को मेबलिन का 01 ब्लैक यदि जी शेड हैगी, तो लास्टिंग लोंग लास्टिंग है जोड़ा ये आई स्टूडियो लास्टिंग ड्रामा जैल आईलाइनर है ब्लैक शेड, तो इस तरह का पॉट है, इस तरह की पैकिंग है जी, इस तरह की देखो इन्ना क प्रोडक्ट थानू मिलता है, इतने मैनशन किया हूँ मैंने लगता जी पैक यूज़ कर लिया, तो पैकिंग के उपर लिखा भी कि जरा वेट है, तो यह पैकिंग के हूँ ये ना मैं ब्रश मिले ये वाला इस तरह के ना ब्रश आने लग गया, मैं तुम दिखाई हाँ इस तरह का ब्रश मिले मैं मैं कॉम्बो के लैता, मैं कॉम्बो के है जरा मेबलिन का मस्कारा तो दोनों 550 के मिले आ, तो कला आईलाइनर तो जैल आईलाइनर 500 रुपए का मिलेगा, तो बाकी तुम ऑनलाइन ट्राई कर लियो क्योंकि ऑनलाइन जोड़े बहुत ज़्यादा ऑफर चलते रहेंगे आ। हुणे दे नाल इस तरह का यह नवा ब्रश आने लग्या जिहदे नाल कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता इहनूं अपलाई करना, तो मैं तुहानूं ब्रश दिखाउनी आ, तो जां तां तुहाडे कोल इस तरह का ब्रश हुंदा है, ये मेरे को वेगा का ब्रश है जिहड़ा कि 90 रुपए का मैनूं मिलिया सी, पर तुसीं इह ब्रश नहीं लैना, हाँ साइज़ दे विच इह नहीं लैना, जिवें कि इहदा साइज़ थोड़ा वड्डा है जिहड़ा इह थोड़ा साइज़ दे विच चौड़ा है ब्रश, इह नहीं लैना, इस तो थोड़ा छोटा साइज़ आता होगा यानी कि यहाँ का हाफ होगा, सो छोटे ब्रश का यूज़ करना, ये फिर विंग बनानी ये आईलाइनर लगाना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो शेप है जी सोहनी नहीं बनती, बट मैं तुम्हें एक ना एग्जाम्पल के लिए भी इस तरह का एंगुलर ब्रश होगा, तुम ध्यान ना देख लो इस तरह का ब्रश लेना है, एंड उस तो बाद ये वाले ब्रश भी होंगे अपने को ब्रशा की जिम्मे कि पैकिंग होंगी वो इस तरह के ब्रश होंगे है ना, जिमें कि पेंसिल ब्रश हो गया आ जो थो ब्रश दिसता इस तरह के ब्रश होंगे है, सो इस तरह के ब्रश भी यूज़ कर सकते हो तुम, बट हाँ इन्ना क जरूर ध्यान रखियो भी जोड़े ब्रश है ना आप आईलाइनर लाने वास्ते यूज़ करते हैं वो ना थोड़े फ्लफी टाइप के ना हो, इस तरह के ब्रश हो जे कि आप लिक्विड प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर, जोड़े ब्रश आप क्रीम प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते ना सिंथैटिक आ जाते जोड़े ब्रश उस तरह के ब्रश का यूज़ करना है, क्योंकि लिक्विड मतलब क्रीम की तरह प्रोडक्ट है, लिक्विड भी नहीं कहे आप क्रीम की तरह जैल बेस्ड आईलाइनर है ये। सो हूँ मैं तुम्हें डिटेल दसदी हाँ भी इनू यूज़ किमें करना किमें लगाना किमें विंग बना सकते हो, डिफरेंट तरह के मतलब अलग अलग तरीके आईलाइनर लगा सकते हो, एज ए काजल भी मैं तुम्हें लगा के दिखाई वो वीडियो अगे देखो, तो मैं प्राइज़ ये बारे सारा डिटेल दसता है, तो मैं आस करती हूँ थोड़ी वीडियो बहुत वधिया लगेगी, सो अगे वीडियो देख के कमेंट जरूर करो, तो जिन्हों को इन्हों कोई भी प्रोडक्ट यानी कि दोनों आईलाइनर है जो कला जैल या कला लिक्विड आईलाइनर है तो जरूर कमेंट बॉक्स के दस्यो, एंड ये वाली मेकअप लुक देखने लिए जी तुम वीडियो में देखियो ही शायद मैं मेकअप लुक इस वीडियो तो पहला शेयर कर दूँगी, तो अपने चैनल में सबसक्राइब कर लो इस तरह दिया होर भी वधिया वधिया वीडियोज़ देखने लिए।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਵੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਲਾਈਨਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਈਲਾਈਨਰ ਲਗਾਓ ਫਟਾਫਟ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਆਈਲਾਈਨਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਲਾਈਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁੱਡਡ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੀ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ।